तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे WWE के अंदर मेजर चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज द फाइनल बॉस द रॉक इज बैक ऑन टेलीविजन। जी हाँ, बैड ब्लड में जिस तरीके से बंदा वापस आया, 1 2 3 करके गया और सबको एक बार याद दिला दिया कि फाइनल बॉस सब कुछ देखता है, सब कुछ पढ़ता है, स्टडी करता है और उसके पास पावर है चीजों को बदलने के लिए, और काफी सारी चीजें WWE के लैंडस्केप में अफेक्ट होंगी सिर्फ इस एक वजह से, दैट द रॉक इज बैक इन WWE। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, आप एंड तक जरूर देखते रहें। और एक कमाल का एपिसोड स्पॉटिफाई पे आ चुका है, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, जहां हमने बात करी है ब्लडलाइन वर्सेस ब्लडलाइन के वॉर गेम्स मैच के बारे में। जी हाँ, आप लोगों का कमाल का सपोर्ट चल रहा है इस समय पॉडकास्ट के ऊपर, और वहां पर हमने बात करी है कि कौन हो सकता है ब्लडलाइन की टीम में, कैसे वो रिफॉर्म होंगे, क्या कोडी रोड्स वहां पे होंगे, क्या केविन ओवेंस भी ब्लडलाइन को ज्वाइन करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रॉक उस मैच में लड़ेंगे या फिर रॉक सिर्फ बैकस्टेज पॉलिटिक्स खेलेंगे इस पूरे मैच को सेटअप करने के लिए, और सारे लड़ेंगे लेकिन फायदा तब भी रॉक का हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है 20 मिनट के अराउंड पॉडकास्ट, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। अब पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे, और ये है रेसलमेनिया 41। बिकॉज़ रेसलमेनिया 41 की सिंपल सी कहानी थी, अभी तक हमको पता था रॉक वर्सेस रोमन तो होना नहीं है, रॉक वर्सेस कोडी काफी लोग बोल रहे हैं लॉक्ड इन है, मे बी अभी भी वो प्लान है, लेकिन रॉक के वापस आने के बाद इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत सारी चीजें रेसलमेनिया 41 के लिए बदलेंगी। और मैं सिर्फ रॉक की बात नहीं कर रहा, मैं सारे उन बंदों की बात कर रहा हूं जो ब्लड लाइन के इस एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन, सैमी जेन और जो भी और कोई बंदा ब्लड लाइन के आसपास भी घूमेगा। तो ये चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है, बिकॉज लास्ट ईयर सारे मैचेस ब्लड लाइन के अराउंड ही थे जो मेन थे, जिमी वर्सेस जेया में देखने को मिला, लेकिन इस बार और ज्यादा मेंबर्स हैं ब्लड लाइन के पास, इस बार और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ब्लड लाइन के पास, और बिकॉज लास वेगस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेन्यूज जहां पर WWE अपने पैसे कमाने के लिए जा सकती है, तो आई थिंक और भी कई सारे ब्लड लाइन के मैचेस बाकी सुपरस्टार्स के साथ भी देखने को मिल सकते हैं जो एक्चुअली में ब्लड नहीं है या फिर ब्लड लाइन का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट हिस्ट्री जो है उनके ब्लड लाइन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रही है। इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स की, जो कि अगला पॉइंट है, और रोमन रेंस और कोडी रोड्स की तो आपस में स्टोरी सिंपल है कि हम एक पॉइंट पे जाके रीमैच करेंगे जब सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, और तब डिसाइड करेंगे कि क्या रोमन वापस टाइटल जीत सकता है या फिर नहीं, और अगर इन दोनों का बस चलता तो ये यही करते और अभी बिल्कुल परफेक्ट टर्म्स पे भी हैं, अगर टैग टीम बन सकते हैं तो एक दूसरे को मैच में इनको वन ऑन वन जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रॉक का कुछ और मानना है। रॉक वापस आएंगे और रॉक का ये मानना है कि उनकी जेंटल्समैन एग्रीमेंट है कोडी रोड्स के साथ, और क्या वो रोमन रेंस को अपने से पहले उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तक जाने देंगे या फिर रॉक वो रास्ता खुद बनाएंगे रोमन रेंस के लिए कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तक चला तो जाए लेकिन उसके बाद वही रोमन रेंस को कॉस्ट भी कर देंगे। तो जो डायनेमिक है यहां पे कोडी रोड्स और रोमन रेंस की खुद की स्टोरी लाइन का, वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है बिकॉज रॉक वापस आ गए, बिकॉज जो उनके मन में आएगा वो कर सकते हैं। और इसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है फॉर द WWE चैंपियनशिप। अब इस चैंपियनशिप की प्रेस्टीज तो WWE ने काफी हद तक बना दी है, बिकॉज रोमन रेंस ने कमाल कर दिया अपनी आइकॉनिक रन के बाद, और अब कोडी रोड्स के बारे में हम ज्यादा बोलेंगे नहीं बिकॉज ऑब्वियसली उनकी रेन इतनी अच्छी नहीं लग रही, लोगों को पसंद नहीं आ रही, और काफी लोग बोल रहे थे कि ब्लड लाइन से दूर कर दो कोडी रोड्स को, अपनी स्टोरी दो ताकि WWE चैंपियनशिप की वैल्यू पड़ पाए, लेकिन वही लोग इंक्लूडिंग मी अब बोलेंगे कि क्या कोडी रोड्स को ब्लड लाइन के साथ बने रहना चाहिए, बिकॉज उससे ना ही सिर्फ कोडी रोड्स का, रोमन रेंस का, रॉक का फायदा हो रहा है बल्कि उस चैंपियनशिप का भी फायदा हो रहा है, बिकॉज यही तो लोग हैं जो उस चैंपियनशिप की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अगर अभी से लेकर रेसलमेनिया तक मैं ब्लड लाइन से बिल्कुल काट दूं कोडी रोड्स को और केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड दूं, क्या WWE चैंपियनशिप उतनी स्ट्रांग दिख सकती है जितनी कि ब्लड लाइन के बिजनेस में दिखेगी? इसका मतलब यह है कि कोडी रोड्स ज्यादा टाइम वन ऑन वन अपना टाइटल शायद डिफेंड नहीं करेंगे रेसलमेनिया से पहले, लेकिन उस टाइटल की प्रेस्टीज जरूर बन जाएगी, बिकॉज हमको पता ही नहीं होगा कि एट द एंड ऑफ द डे किसके हाथों ये टाइटल लगने वाला है जब रेसलमेनिया 41 का पे-पर-व्यू खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक इस पूरी लिस्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स है, और वो है रॉयल रंबल मैच। अब भाई देखो, रॉक के पास अपनी पावर तो है, तो वो चाहे तो रॉयल रंबल मैच में एंटर ही नहीं कर सकते, उस मैच को वो जीत भी सकते हैं, लेकिन एक और चीज वो कर सकते हैं कि जो विनर है उस रॉयल रंबल का, उसका जीना हराम कर सकते हैं ताकि वो रेसलमेनिया तक पहुंचे ही ना और रेसलमेनिया मेन इवेंट भी ना कर पाए। तो रॉक जिस तरीके से इस पूरे रॉयल रंबल के डायनेमिक को भी चेंज करेंगे, अनबिलीवेबल वो होने वाला है, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने पोटेंशियल विनर्स की बात करी थी रॉयल रंबल 2025 के, वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं करी तो जरूर उसको जाके देखें, लेकिन वहां पे हमने रोमन रेंस और रॉक का भी नाम डिस्कस किया था, और मेरे हिसाब से अगर ये दोनों बंदे उस रॉयल रंबल का पार्ट हैं तो रॉक के फाइनल बॉस वाली जो पावर की चीज है वो डेफिनेटली वहां हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट की
की बात करते हैं तो ये है वॉर गेम्स मैच, और इसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट आ चुका है, लेकिन मैं आपको एक हिंट जरूर दे सकता हूं कि भाई ब्लड लाइन के अंदर आपको कुछ ऐसे नए मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं जो सर्वाइवर सीरीज को इस साल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेपरव्यू ऑफ ऑल टाइम बना सकता है। और उस पॉडकास्ट में मैंने कुछ ऐसे लाइट बल्ब मोमेंट से कुछ ऐसे स्टोरी के आइडियाज निकाल के फेंके हैं ना भाई, मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि माय गॉड अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा। तो आपको पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये वॉर गेम्स मैच की एंडिंग ही डिसाइड करेगी कि रेसलमेनिया की ये जो रोड बनाई जाएगी, जो रोड टू रेसलमेनिया 41 है, वो किस डायरेक्शन में जाने वाली और क्या उसका रास्ता रहेगा। तो डेफिनेटली वहां पे आप वो सुने। लेकिन इसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे है रीयूनियंस, टर्न्स और ब्रेकअप्स विद इन द ब्लड लाइन। हम जानते हैं कि ब्लड लाइन एक फैमिली है, फैमिली में प्रॉब्लम्स भी चलेंगी, अच्छी मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगी, लेकिन रॉक आ चुके हैं, और रॉक सिर्फ एक अपने आप को फाइनल बॉस ही नहीं, वो अपने आप को अंदर ही अंदर ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, हाई चीफ, सब कुछ मानते हैं ब्लड लाइन का, और उनके हिसाब से उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और रॉक इस चीज को यूज कर रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए ब्लड लाइन के मेंबर्स को, ना ही सिर्फ उनको जो उनके अगेंस्ट हैं, बट उनको भी जो उनके साथ हैं। अब इससे मेरा ये मतलब है कि भले ही सोलो सिकोवा, जेकब फाटू, टोंगन्स ये सारे रॉक के लिए काम कर रहे हो, पॉल हेमन आके रॉक के लिए काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रॉक उनके फायदे के लिए उनको अपने साथ अलाइन कर रहे हैं, रॉक अपने फायदे के लिए उनको अपने साथ अलाइन कर रहे हैं। और उसी वजह से जब रॉक का अपना मतलब निकल जाएगा तो उनके लिए कोई भी सगा नहीं है। तो उस वजह से, उस रीजन से और रॉक की इस इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे काफी सारे ब्रेकअप्स और टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे इस पूरी फैक्शन में। और जो फाइनल पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो है पावर अब्यूज का, बिकॉज ये बंदा भाई इस चीज में फन नहीं लेता कि मुझे जाके एक चैंपियनशिप जीतनी है, उसको ये बार बार अपने आप को वैलिडेशन चाहिए कि मैं सबसे ऊपर हूं, उसको ये सबको बताना है कि मैं सबसे ऊपर हूं। रॉक वो चीज करना चाहते हैं और बिल्कुल वैसे ही वो करके रहेंगे, उसके अलावा वो मानेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो फाइनल बॉस की पावर वाली स्टोरी है, रूमर्स के ही बता रहे हैं कि आगे जाके क्या ये अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी एक पावर स्ट्रगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली स्टोरी लाइन में भी कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट ईयर नेटफ्लिक्स पे वो देखने को मिल सकता है, और अनबिलीवेबल पॉसिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं रॉक के आने से। और इतना मैं जरूर बोल सकता हूं बिकॉज अब ऑफिशियली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं, उनको कंपनी के स्टॉक प्राइस से फर्क पड़ता है, बिकॉज जितना ऊपर स्टॉक उतना अमीर होगा द रॉक। और मेरे हिसाब से इस चीज का वो पूरा फायदा उठाने वाले हैं अगले साल। तो ये राइड अभी सिर्फ शुरू हुई है, और फाइनल बॉस जो है वो बहुत सारी चीजें बदल देता है अपने आप WWE में कदम रख के। आप लोग अपने ओपिनियंस कॉमेंट्स में बताएं कि क्या इन चीजों से आप अग्री करते हैं, और क्या और भी कुछ ऐसी चीजें जो मैंने मिस कर दी इस वीडियो में रॉक के आने से चेंज हो जाएंगी WWE के अंदर। अपने ओपिनियंस कॉमेंट्स में मुझे जरूर दें, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें गाइस, असली अखाड़ा चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।